फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की ऐसे कमाल के ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को फटाफट चार्ज कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये ट्रिक की इस्तेमाल तब कर सकते हो जब आप कहीं पे ट्रेवल वगैरह कर रहे हो या कहीं पे आप गए हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम चार्जिंग करने को नहीं मिलता या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तब इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने के बाद क्या होएगा, आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा। इसका भी एक रीज़न होगा जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये फोन फास्ट चार्ज कैसे करेगा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्ट हो इसे जानने के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम कर देना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना है। यहाँ पे जो आपको ऑल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसे ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना है और इस वीडियो को ना एक लाइक दे देना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है प्यारा सा। जो भी आपको कमेंट करना है आप अपने मर्जी से कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे अपने फ़ोन में, इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसका पहले रीज़न मैं बता देता हूँ ये फास्ट चार्ज कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करोगे तो पहले बात तो अपने फ़ोन को ऑप्टोमाइज करने को तो ऑप्शन दे देगा, यानी कि आपके फ़ोन को ऑप्टोमाइज कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना ऑप्टिमाइज के ऑप्शन पे और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। परमिशन देके आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है, फिर उसके बाद इसे क्या करना है, ऑप्टिमाइज हो जाने देना है। तो यहाँ पे मैं परमिशन दे देता हूँ, परमिशन देने के बाद इसे क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज होने देता हूँ। तो यहाँ पे आपका फोन ऑप्टिमाइज कर देगा, यानी कि ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा, ऑप्टिमाइज कर देगा ना तो आपके फोन को क्या होगा कि जो बैकग्राउंड के एप्लीकेशन होती है, जो वायरस वगैरह भरे रहते हैं, कचड़े भरे पड़े रहते हैं, उन्हें क्लीन कर देता है, यानी कि यहाँ पे पूरा क्लीन कर देगा। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, फिर आपको क्या करना है, पहले अपने फोन को चार्ज में लगाना है, वापस से इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले अपने फोन को चार्ज में लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ इसे कैसे यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फोन को चार्ज में लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फोन को आपको चार्ज में लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले फोन को चार्ज में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फोन को चार्ज में लगाता हूँ तो यहाँ पे इसे लगा देता हूँ चार्ज में। यहाँ पे मैंने चार्ज में लगाया, चार्ज में लगाने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल चार्जिंग, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना है क्या, सिंपली यस फास्ट चार्जिंग पे क्लिक करना है। नॉर्मल सी बात, हमें क्या करना है, फास्ट चार्ज करना है, नॉर्मल चार्ज नहीं करना है। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको वाटर दिख रहा है ये मूवमेंट करते हुए दिख रहा है, यानी कि मूव हो रहा है, इधर से उधर हिल रहा है। आप भी यहाँ पे देख सकते हो हिलते हुए दिख रहा है, यानी कि आपका फोन क्या हो रहा है, फास्ट चार्ज हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो जो टिक दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको क्लीन रैम उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ब्लूटूथ ऑफ उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे रोटेट ऑफ, यानी कि सारी सारी चीज़ों को क्या करेगा, ये पहले बंद कर देगा। बंद करने के बाद ये सब क्या करती है, अपने बैकग्राउंड में नहीं चल पाएगी और इनके वजह से नहीं चलेगी, इसके वजह से आपका फ़ोन क्या आएगा, फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे सब पे आपको क्या करना है, फटाफट टिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर दोगे उसके बाद आपका फ़ोन फटाफट चार्ज हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसे ऑन कर सकते हो। तो आप लोगों को कैसी लगी एप्लीकेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।